ज़िंदगी एक कहानी है और हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसी कहानियाँ होती हैं जिनके बारे में वो बात करना चाहता है लेकिन बात करता नहीं है। सो हिम्मत करके उन कहानियों के बारे में बात करनी चाहिए, अदरवाइज़ वो आपको आपके अंदर एक शोर बरपा रखती है और जब तक आप बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो उसका सलूशन निकालना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो मेरे माइंड में जो चीज़ आई है वो ये आई है कि साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में मेन फ़र्क क्या है। ठीक है, देखिए ये बहुत ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने रेज किया है और ये हर इंसान को पता होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिदरा नाज है और मैं इवोन एस्थेटिक सेंटर में एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। जो बेसिक हमारा पर्पस है आज की वीडियो बनाने का वो है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें कि पहली बात तो यह है कि डिफरेंस क्या होता है साइकोलॉजिस्ट में और साइकियाट्रिस्ट में, और कौन से ऐसे मसाइल होते हैं जिनकी वजह से हमें क्या साइकोलॉजिस्ट को जाके विज़िट करना है या फिर हमें साइकियाट्रिस्ट को जाके विज़िट करना है। दूसरा, हम ये चीज़ भी पॉइंट आउट करेंगे कि कौन सी जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होती हैं वो किस तरह से दोनों में डिफरेंट होती हैं, साइकियाट्रिस्ट किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। सो इसी पर्पज़ के लिए आज हमारे साथ एक क्लाइंट हैं जिनके कॉन्सेंट से हम कुछ इशूज़ पर बात करेंगे, जो एक क्वेरीज होती हैं जो क्लाइंट अपने माइंड में लेके आता है। लेकिन उसमें जो एक कोर फैक्टर होता है वो ये है कि जब आपके पास क्लाइंट विजिट करने के लिए आता है तो उसकी अपनी विलिंगनेस कितनी होती है ओपन अप होने की। जैसे हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उसे बताते हैं कि मुझे जिस्म के फलां हिस्से में दर्द है या मुझे ये इशू जो है वो फेस करना पड़ रहा है। जब तक आप अपना मसला बताएंगे नहीं, आप ओपन अप नहीं होंगे, तो तब तक ये जो एक रेशियो होती है कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो कितना सक्सेसफुल जाएगा वो इसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। आप ओपन अप हों, अपने मसाइल को डिस्कस करें, क्योंकि ये चीज़ टोटली कॉन्फिडेंशियल होती है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्रीच नहीं की जाती है। आपकी इन्फॉर्मेशन एक साइकोलॉजिस्ट और एक क्लाइंट के दरमियान तक की होती है और उसी बेस पे जो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बनती हैं वो फिर उसकी बेस पे बनती हैं कि आपने हमें इन्फॉर्मेशन कितनी प्रोवाइड की है और किस हद तक प्रोवाइड की है। सो इसी के लिए आज हमारे पास एक क्लाइंट है जिनके कॉन्सर्न से हम उन क्वेरीज़ पे बात करेंगे जो इनके माइंड में हैं कि अगर इनको कुछ मसाइल का सामना पेश है तो वो उसको किस तरह से हल कर सकते हैं। चलें बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आई होप सो कि आपको यहाँ तक आने में कोई मसला नहीं हुआ। कोई मसला नहीं। ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे उन सवालात पे कि अपॉइंटमेंट लेने से पहले आपके माइंड में जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस आ रहे थे कि मेरा नेचर ऑफ इशू क्या है, मेरा मुझे ट्रीट किस तरह से किया जा रहा है, तो इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। सो आपके माइंड में जो पहली क्वेरी आई वो क्या थी? सबसे पहले तो मेरे माइंड में जो चीज़ आई है वो ये आई है कि साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में मेन फ़र्क क्या है। ठीक है, देखिए ये बहुत ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने रेज किया है और ये हर इंसान को पता होना चाहिए। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं और साइकाइट्रिस्ट होते हैं उनमें जो कोर डिफरेंस होता है कि साइकाइट्रिस्ट होता है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। दूसरा ये कि साइकाइट्रिस्ट जिन इशूज़ को देखते हैं उनकी जो सिवियरिटी होती है वो ज़्यादा होती है, उसमें हमारे ब्रेन केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट्स वाई वो उनको मेडिसन्स भी देते हैं जो कि हमारे जो हार्मोनल इश्यूज होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे ऑक्सीटॉक्सिन है, हमारा हैप्पी हार्मोन है, तो उनको वो मेडिसन देते हैं ताकि वो जो उनका हैप्पी हार्मोन है वो रिलीज़ हो, उनका स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो ज़रा कंट्रोल में हो जाए। जब हम साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो उनका क्या काम होता है, वो साइकोथेरेपीज़ की तरफ जाते हैं। जैसे हम टॉक थेरेपी की बात करते हैं, जैसे हम फ्री एसोसिएशन की बात करते हैं, जैसे हम CBT की बात करते हैं, हम उनकी कॉग्निशन यानी कि उनकी थिंकिंग पे ऊपर उनके ऊपर वर्क करते हैं। सो हमारा जो वे होता है एज अ साइकोलॉजिस्ट वो होता है कि हम थ्रू साइकोथेरेपीज़ पेशेंट को ट्रीट करें। दूसरा ये कि जो सिवियरिटी होती है इशूज़ की वो भी उस हद तक नहीं होती है कि उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की ज़रूरत पड़े। वो डे टू डे रूटीन के इशूज़ होते हैं जिसमें स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंगर मैनेजमेंट है, आपका डिसीजन मेकिंग है और इस तरह के जो भी इशूज़ होते हैं जो आपको लगता है कि आप अपने ऑन पे आपके अंदर वो एबिलिटीज़ या स्किल्स उस तरह से वर्क नहीं कर रही हैं कि आप कुछ अपनी लाइफ में डिसाइड कर सकें या फिर मूव ऑन कर सकें। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो मेरे माइंड में था वो ये था कि हो सकता है कि आपके सामने मैं आके ओपन अप होता हूँ या नहीं होता, अपने कुछ ऐसे मैटर्स आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और मेन जो चीज़ इसमें आती है वो ये आती है कि अगर मैं कुछ ऐसे मैटर्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ तो कहीं वो थर्ड पर्सन तक ना चले जाए या लीक आउट होने का उसमें कोई ख़तरा हो, ये कुछ ऐसे मसले मसाइल थे जो मेरे माइंड में जो है ना वो चल रहे थे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? ठीक है, सो आपकी ये जो क्वेरी है ना ये बहुत वैलिड है,
ठीक है, और ये मैं कहती हूँ कि हर इंसान को इस चीज़ की पहले श्योरिटी करनी चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अगर ट्रीटमेंट के लिए किसी के पास जा रहा हूँ तो मेरी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो किस हद तक मेंटेन रह सकती है। दूसरा ये कि जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है ट्रीटमेंट के लिए तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है पहले उनसे कंसेंट लेना कि आपने विलिंगनेस शो की है कि आप काउंसलिंग सेशन के लिए आप इस प्रोसीजर से या ट्रीटमेंट से आप जो है वो गो थ्रू होना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा ये होता है कुछ लोगों का मजाज होता है कि वो इंट्रोवर्ट हैं फॉर एग्जांपल या एक्सट्रोवर्ट हैं तो वो कितना इजीली ओपन अप हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं हो सकते, जो कि एक बहुत कॉमन सी बात है, नेचर पार्ट ऑफ नेचर हम इसे कह सकते हैं। सो उसमें वो जो श्योरिटी आपको दी जाती है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रीच नहीं होगी, कॉन्फिडेंशियल रहेगी, क्यों? क्योंकि हमारा जो एक रिलेशनशिप होता है क्लाइंट का और साइकोलॉजिस्ट का, ये बहुत ही प्रोफेशनल किस्म का होता है, ठीक है। हमारे पास जब कोई क्लाइंट, फॉर एग्जांपल अभी आप मेरे पास आए हैं ट्रीटमेंट के लिए, मुझे नहीं पता कि आपकी फैमिली में आगे कौन है, आपके फ्रेंड सर्कल में कौन है। सो पहली बात तो ये कि हमें उनका पता नहीं होता, दूसरी बात ये कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने का एलिमेंट रहता है या जितनी इंफॉर्मेशन हमें थर्ड पार्टी को देनी है वो सिर्फ तब होती है जब हमें इस चीज़ का एक किस्म की सेंस आ रही हो कि सेल्फ हार्म हो रहा है, जिसमें हम सुसाइड कह सकते हैं, या फिर वही पर्सन जो हमारे पास ट्रीटमेंट लेने आ रहा है वो जाके किसी और अपने फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में किसी पर्सन को जाके वो हार्म करेगा। इन दैट केस हमें जो है वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो थोड़ा सा थर्ड पर्सन तक कन्वे करना पड़ती है, वो भी सेफ्टी पर्पज़ के लिए। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं होता कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी थर्ड पर्सन को जो है वो बताई जाएगी कि आप अगर हमारे पास सेशन के लिए आए हैं तो आपको क्या मसला था या क्या इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं। ज़िंदगी एक कहानी है और हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसी कहानियाँ होती हैं जिनके बारे में वो बात करना चाहता है लेकिन बात करता नहीं है। सो हिम्मत करके उन कहानियों के बारे में बात करनी चाहिए, अदरवाइज़ वो आपको आपके अंदर एक शोर बरपा रखती हैं और जब तक आप बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो उसका सलूशन निकालना मुश्किल हो जाता है। सो इसीलिए मैं आपको इनक्रेज करती हूँ कि आप आएँ, उन मसाइल के बारे में बात करें कि जिनसे आपकी डे टू डे रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। मैं आपको वॉन एस्थेटिक्स में वेलकम करती हूँ, हम यहाँ पर बैठ के आपके उन इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे और एक प्रॉपर वे फॉरवर्ड जो है आपको सजेस्ट करेंगे।